जी वी आर बैक वी इन अदर व्लॉग। तो जी अगर अभी तक मिस्टर रोस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। बाकी अभी हम लोग आप सोचेंगे कि घर घर के बाहर खड़े में हर वक्त घर के अंदर से व्लॉग शुरू करते हैं। वो अवैध भी वहाँ चिल्ला रहे, आ जा आ जा एक मिनट जरा। अभी हम लोग घर के बाहर से व्लॉग इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि घर के अंदर हो रहा थोड़ा काम। क्या काम हो रहा है आज भी बताएंगे। जाके देख लो, क्या जाके देख लो, आप यहाँ पे बैठे हैं बाहर। इस गेट से घुस के देख। अच्छा है, चलो इस गेट से जाते हैं। ये हमारी सीढ़ी खड़ी हो, यहाँ पे आपको दिखाते हैं एप्पल का होंडा। ये आप देखो, ये एप्पल का होंडा। कभी चलाया तू एप्पल का होंडा? एप्पल ही चलाया कावासाकी। अभी आपको दिखा रहे हैं अंदर हो रहे हैं थोड़ा काम। हम अपने स्टूडियो करवा रहे हैं रेनोवेट, पूरा स्टूडियो में से रेनोवेट हो रहा है। इस वजह से अपनी यहाँ पे कावा को भी छुपा ही खड़ा है, बिल्कुल पर्दे के अंदर रखा हुआ है। अरे छुपा के, और ये होंडा उसका मुंह दिखाई पड़ेगा काम होने के बाद। ये अभी एंट्री कर रहे हैं अंदर। ये आप देख रहे हो धुआं धुआं हो रहा है सारा माल में लाके, कबाड़ को बुरी ही जमा कर दिया। बाकी इस कमरे का नहीं होना कलर, इस कमरे का आखिर में होगा यहाँ का। ये देख सकते हो असल में कमरा पहले काम हो गया था स्टूडियो का, लेकिन आप माँ भी कह रहे कि दोबारा पूरा कमरा दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं। ऐसे पूरा रेनोवेट करवा रहे हैं माँ भी, खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर। ये ऊपर भी आप देख सकते हो क्या माहौल बना हुआ है यार। देखो अभी तो भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद ऐसा स्टूडियो अपने बनाया। लाइट चेक करो ऊपर, ये स्टूडियो की लाइटिंग है। इतना बड़ा स्टूडियो तो मिस्टर नीले ने कैसे बना रहे हैं हम लोग। ये हमारे एक काले चिट्टा साहब आ चुके हैं, ये देखो सारा। अब आपको दिखाते हैं माज भाई के, सॉरी माज भाई का माल। ये हमारा स्टूडियो है मेन। यहाँ पे भी काम चल रहा है। कितने दिन लगे कर रहे हैं? मास 3 4 दिन तकरीबन से तकरीबन 3 4 दिन लगेंगे इस काम में, टोटली काम पूरा होगा। इसके बाद अभी तो आपको दिखा रहे हैं काम होता हुआ, जब काम हो जाए उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसा मतलब काम किया मैंने, कैसा माहौल बना है। बाकी देखते हैं सीलिंग हो जाएगी। अवैध भाई की चाची का बेटा हुआ है माशाल्लाह, मुबारकबाद। वैसे नाम क्या रखा है आपका? नाम क्या रखा है? छोटा सिंगारी। अच्छा माशाल्लाह, बेटे का कैसे करवा है बच्चे का माशा नाम है क्या? चिंगारी 3 पॉइंट, अच्छी बात है माशाल्लाह। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? जा रहे हैं पानी लेने के लिए। असल में पता है क्या हुआ? वो नहीं, वो नहीं साथ जाएगा, इसको लेके जाएंगे काले को। मैं जा रहा हूँ। वो नहीं, वो साथ चल, सबर कर। कहाँ जा रहे हैं? चले मेरे साथ। अरे पता क्या, मजदूर आए घर के अंदर और पानी हो गया खत्म, आज पानी वाला आए नहीं पानी देने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पानी लेने, पानी लाएंगे तो फिर मजदूर पिएंगे, तो दुआएं दे रहे होंगे हमें। कल भाई जितना स्लीप हम लोग मारे थे, सोच नहीं है कि रगड़ दिए हैं बंदे को, रुला दिया है मास्क कल। अभी हम चलते हैं पानी लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। मैं कैन भी आनी पड़ा, कैन भी दूसरे घर पे पड़ा, वहाँ से कैन उठा के फिर पानी ले जाएंगे। नहीं नहीं चले, कहाँ जा रहा है? हाँ वे पेट्रोल ही सही में गाड़ी पेट्रोल। हुआ क्या है आपको याद होगा कि कल वाले व्लॉग में हमने, कल जो शाम का टाइम था, हमने मास भाई से पेट्रोल अपने उसके होंडा का निकलवाया था, उधार लिया था पेट्रोल की, भाई हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाल दे। और मैंने कहा था खरीद जाऊंगा तो पेट्रोल डलवा लूंगा गाड़ी में, लेकिन मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं क्या हुआ, जहन से निकल गया कि पेट्रोल डलवाना है, और पेट्रोल डलवाना हम लोग गए भूल। अच्छा आपने मोहल्ले में काम लग गया पता है? हाँ वो दिखाएं भाई को, वो उधर हमारे पता है क्या हुआ, दो भाइयों की लड़ाई, दोनों भाइयों ने घर में आग लगा दी। अरे पूरा जला हुआ है घर, देख के पता लग रहा था, पूरा घर दोनों भाइयों ने मिलकर जला दिया है। यह हालात हो गए खराब, हम पागल हुई हुई है, जमीन के पीछे घर ही उड़ा दिया पूरा। बाकी मैं आपको बता रहा था कि पेट्रोल, हाँ तो गाड़ी को अगर पेट्रोल करना था, कल पेट्रोल डलवाने से के लिए पेट्रोल डलवाया नहीं गाड़ी में। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने मोहल्ले के एक चोर पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे पेट्रोल कम पानी ज़्यादा होता है, उस पेट्रोल पंप पे हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के। ऐसी है ना वैस, यहाँ पेट्रोल से ज़्यादा नहीं डलवा देना, यहाँ पेट्रोल सही नहीं होता। कहाँ जा रहा है? तो सीधा सीधा निकाल लिया वैस, पागल हो चुके हैं, किस किस रास्तों से निकाल रहे हैं हमें? नए नए रास्ते दिखाने से, हाँ 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 नए नए रास्ते, मैं मौत का शो लग रहा है हमको तो यहाँ पे। अभी वो जा रहे हैं पेट्रोल लगा रहे हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। अच्छा यहाँ से पेट्रोल लग गया, 50 100 रुपये डलवा लेंगे, पेट्रोल डलवाते हैं लोग अपने शेल पेट्रोल पंप पे, वहाँ का पेट्रोल अच्छा और कंपनी का पेट्रोल होता है। पेट्रोल
फिर तुम्हारे बंदे तो अच्छे डलवाए ना, तो गाड़ी से कूद चलती है, सुकून रहता है गाड़ी चलाते हैं, टेंशन नहीं होता, खत्म ना हो जाए, डर नहीं होता, ये बात है वैम, यही बात है यार, क्या करें हालात ऐसे हैं, हर बंदा चोर बन के बैठा हुआ है। और यहाँ चलो बाकी देखते हैं क्या माहौल बनता है, पानी लेने जाना मेन है क्योंकि वो जरूरी काम है, बाकी भी जो काम होगा टाइम क्या पता है, टाइम मिलता बिल्कुल नहीं, टाइम बिल्कुल ही नहीं होता है, अब देखो दस कपड़ों में कल भी आप दस कपड़ों में से जाओ टाइम होता है अंधेरा हो जाएगा, अभी रोशनी अभी ऐसे अंधेरा हो पता नहीं लगेगा आपको, दिन ऐसे खत्म हो जाता है। और अभी स्कूलों की छुट्टी हो, अभी स्कूल छुट्टी हुई है सारे स्कूलों की, तो रश भी बहुत होगा, देख हर तरफ ट्रैफिक है ना वैज भाई। बस ये वैज भाई लोग तादाद बढ़ाने मुल्क की जिंदगी यहाँ से कैन उठाने, ये अपना कैन उठाते हैं और दरवाजा बंद कर लेने की, अभी कैन उठा जल्दी लेकर आ, चल लेट हो गए पहले, ओए पागल हो गए, स्टार्ट कर चल चलाने वाला। आपको दिखाएं मुजफ्फरगढ़ का मिनी सैलाब, ये देखो मुजफ्फरगढ़ का मिनी सैलाब, गली में सारा सैलाब बन गया, पानी लेने जा रहा हूँ, ये यहाँ का मिनी सैलाब बना हुआ है और हमें बगैर पुल के सैलाब से बचना पड़ता है। यार क्या करें, मुजफ्फरगढ़ का असूल है बारिश होता है इतना पानी जम जाता है, यहाँ का आम हो चुका है, थोड़ी सी बारिश निकल रहा है रिमझिम रिमझिम सामने बारिश हो रही थी तो हर तरफ पानी जमा हो गया, इतना इतना पानी का सोच ही नहीं, क्या करें यार इतना गंद हो गया, इतना शापर हो गया ना ये। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भाई अपनी हर ब्लॉक के अंदर सियासी बातें कर देते हैं, सियासी बातों की बात नहीं, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हमें भी इस मुल्क का ख्याल करना चाहिए, अब हम लोग भी अगर कचरा फैलाएंगे तो हम लोग खुद ही परेशान होंगे ना, उनको परेशान तो नहीं होगा, कैसा तरह थोड़ी कोई मसला होगा, बाकी अगर आपको समझ आता है उस बात का अमल करिए। देखो हम लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए और आ गया है वाटर प्लांट, बस दुआ मांगो अल्लाह, यहाँ भी सैलाब बना हुआ है, यहाँ भी छोटा सैलाब आया हुआ है, हर तरफ कीचड़ लगा था ना मैंने, हर तरफ कीचड़ है यहाँ पे, हर तरफ आगे ले भी चल रहे, यहाँ वाले पे नहीं, यहाँ वाले पे तो पानी भी सही नहीं आता, ये तो अवैध के दोस्त का वाटर प्लांट है, चेक कर भैया अवैध की पावर, ये अवैध के दोस्त बाला सिंगा, अबे आगे वाटर प्लांट है, नमूना हो गया अवैध, वो बच्चे पागल हो गए अवैध, तो वाटर प्लांट रास्ते ही भूल गया, खागली गली में पिछली गली में गुजार है, हाँ यही गली यही मस्जिद वाली सब मस्जिद गली, घुस 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 घुस, देख मत देख मत देख मत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ मेरे बाप का वाटर प्लांट है ना गुज्जैन अली से, अभी यहाँ लगाएंगे पानी भरने के लिए, पानी भरने के लिए पानी, अब ऐसे बाइक ना कर लेके जा इधर खड़ा, ओए अमीजन से कह रहा कहीं लेके नहीं जाना बाइक, यहीं खड़ा तू भी जल्दी से काम में ले जाता है, अभी आज पानी भरते हैं फिर यहाँ से देखते हैं कहाँ चलना है, पहले तो यहाँ से पानी लेके जाएंगे घर रखेंगे, उसके बाद वहाँ कलर का काम और वो काम पूरा करवाना है ना, बस मास के घर मेरे घर की तोड़ है, मेरे घर का बोर है, जो बच्चा निकला था नहीं नहीं वो नहीं, अब मेरे घर वो हो रहा है क्या कहते हैं अपना चूना, चूना नहीं काबू कर लेगा ना, क्या हो रहा है वो बच्चे लोग चावल चुन रहे थे इसे, ओह हो तू क्यों परेशान है इतना, मैं क्यों होगा, हाय हाय हाय, अभी यहाँ से पानी भरते हैं उसके बाद भी आपको पानी भरा गया, पानी बंद करूँ पहले यार, अभी हम लोग पहले पानी रख लेते हैं सही से, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, मतलब पानी सही से रखाने का नहीं है यार, ये आप देख सकते हो अभी उन्होंने पानी भर दिया है और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, घर घर जाएंगे नाश्ता करेंगे, फिर देर लगी फिर नाश्ता भी नहीं किया मैंने, नाश्ता करते हैं उसके बाद अवैध लोग छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कोई और काम हुआ तो फिर करेंगे ब्लॉग ना, मुझे पता क्या हर चीज़ में ब्लॉग ही हो सकता है, घर कुछ और काम भी हो जाएगा ब्लॉग थोड़ी कर सकते हैं, इस वजह से भी कोई मसला है, बाकी आज मौसम बड़ा अच्छा है हमारे इलाके का, बहुत ही माहौली मौसम बना हुआ है, कल पता है कल जितने भी हमारे सब्सक्राइबर होने हमारी बारिश का लाइव देखी है, ऐसा ही है, लेके आ चुके हैं थोड़ा तेज चला ले वैस, इतना परेशान क्यों हो रहा है, बस सबर कर सबर कर सबर कर, ये ले वीडियो बना पहले पानी का कैन, पहली दफा दरवाजा खुलेगा वरना जब भी ताला खोल के मुझे जाना पड़ता है अंदर,
खुशी होती है जब कोई दरवाजा खोलता है। बड़े भाई चल पानी रख दिया है, अब वैद्य को छोड़ते हैं घर और देखते हैं क्या होता है। जा रहे हैं थोड़ा काम से। ओए क्या हुआ है? ले ले सीन हो गया। हम कायदे वाला पेट्रोल साला पेट्रोल ही दो नंबर का बोल रहा है। भगा 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 जल्दी। ओए ओए सीन हो गया हमारे साथ। अभी सीन हो गया, हमने जब सामने स्पॉट पर पेट्रोल लगाया था वहां पे और पेट्रोल काम ना छोड़ दिया यार। वो बात है कि फिर भी आज तक जाली पेट्रोल थोड़ी होता है, खत्म भी हो गया थोड़ा पेट्रोल उसका तरीका थोड़ी यार। हमारा दरखास्त है पीएसओ से भाई को रहम करो आवाम पे। देख रहे हो ये अवैध की बरकत है, हम ऐसे टूटे फूटे आई जाते हैं, कभी चौक उठा के चला लेता है, कभी लटा के चला लेता है गाड़ी को। पता नहीं यार हमसे नहीं होता, मैं कितने बार कोशिश किया मुझसे नहीं हुआ ये तरीका, करने की कोशिश करता हूँ वो नहीं होता। फिर अवैध पता नहीं क्या तरीका कार करते हैं, जादू आता है इनको कोई चलाए कोशिश करते चल जाए क्या पता। दुआ मांग चल जा चल जा चल जा चल जा चल गया चल गया चल गया बस इतना पेट्रोल चल गया चल गया बस इतना पेट्रोल पंप पहुँचे, पेट्रोल पंप सामने है, मंजिल है हमारी वही। ओए आराम से मंदिर हमारी आ गई है। यही 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 पहले वाले ब्लॉग में पेट्रोल लगा रहे हो बैल पे। खुश है खुश है ना, अब ढक्कन लगाना पड़ेगा। ठीक चार दस लाख बैर पे चलाने लगे, लेट हो रहे हैं। चलो अब तो स्टार्ट हो जाएगा, अब तो चल गया पेट्रोल है। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल से लगवा, चलो अब दो तीन सौ डलवा लें, अब टेंशन खत्म हो गई, अब टेंशन नहीं होगा। अब पूरा दिन तो दो आज नहीं तो पाँच दिन तो आराम से निकल जाएगा ना सुकून, आज टेंशन तो नहीं होगी। अब पूरा दिन जहाँ भी जाऊँ इसका टेंशन नहीं, ये पेट्रोल है शेल का, ये पेट्रोल कहीं नहीं जाता। सत्तर किलोमीटर मेरे जो है आराम से निकाल देगा, अभी एक लीटर डलवा लिया ना, सत्तर किलोमीटर मेरा कहीं नहीं गया, आराम से जाएंगे। चुप बिल्कुल चुप, बस सुकून है। अब जा रहे हैं वैद्य को छोड़ते हैं घर, फिर घर मैं भी आए घर के नाश्ता करूँगी, मैंने तो नाश्ता नहीं किया, फूलों की जोर की डूई दर्द कर दी मेरी पूरी। चलो यार चलो जल्दी। बाकी अगर आपको मिस्टर रोस्टर के व्लॉग पसंद आते हैं तो मिस्टर रोस्टर को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। अभी पानी का कैन घर रख लिया है और भाई ने अपना नाश्ता कर लिया, थोड़ा पेट और सुकून मिला है क्योंकि बड़ा पेट में दर्द होता है, मुझे भूख भूख से लग रही थी। अब हम लोग जा रहे हैं नादरा के दफ्तर। नादरा के दफ्तर किस लिए वो मैं आपको बता दूँ कि मेरी उम्र हो गई है 15 साल। मेरी जब 15 साल उम्र हुई थी ना तो 15 साल में ये है कि एक सब्सक्राइब एक चैनल चला है अभी एक न्यू, ये 15 साल में अपना आई डी कार्ड बनवा सकते हो। ये बेसिकली पूरा एक आई डी कार्ड तो नहीं और एस एस बी पावर तो नहीं, लेकिन ये मतलब क्या कहते हैं इसको स्मार्ट कार्ड, इसे कहते हैं स्मार्ट कार्ड। ये स्मार्ट कार्ड का काम करता है, मतलब कि आप कोई भी काम हो, आपको कहीं जाना आना हो, पुलिस वाले रोक ले तो उसके लिए बहुत काम आता है, तो इस वजह से भी काम आएगा। तो इसलिए बनवा अगर वो थाने जा रहे हैं नादरा के दफ्तर वही कार्ड, दुआ मांगो आज हो जाए। उन्होंने डेट तो दी थी 8 दिन पहले की, लेकिन 8 दिन उस दिन 8 दिन और अब आज 9वां दिन है, मतलब 1 फरवरी आ गई है, आई एम सॉरी 1 मार्च, आज 1 मार्च है और उस दिन जब हमने ये काम करवाने गया था था 30 जनवरी थी, यानी 28 दिन और एक दिन वहाँ से 29 दिन टोटल 29 दिन हो गए। अभी तक हमारा शनाख्ती कार्ड मेरे ख्याल से नहीं आया, अब उनके पास हम जाएंगे कहेंगे भाई हमारा 29 दिन हो गए कुछ रहम करो उस गरीब बंदे पे, हमारा शनाख्ती कार्ड वापसी दे हमें दे दो, हमें बहुत से काम है उसके वजह से सारे काम हमारे अड़े पड़े हैं। तो आप ज़रूर दुआ करें कि हमारा ये काम हो जाए, उसके बाद फिर लोग कर देंगे वहीं पे एंड, क्योंकि आप बोल रहे सर में दर्द जाकर थोड़ा सा आराम करूँगा सुकून करूँगा बस रेस्ट करूँगा। आ चुके हैं नादरा के बिल्कुल सामने, नादरा हमारे करीबी है, ये सामने नादरा है और आप ट्रैफिक चेक कर रहे हैं, ट्रैफिक देखो ट्रैफिक वो आवाम आटे के लिए खड़ी है और यहाँ पे आवाम स्कूल से घर जाते हुए खड़ी है, ट्रैफिक घर जाते ये नादरा है। ड्राइवर जैसे ड्राइवर को कहता है नूब ड्राइवर, क्योंकि वहाँ से कटनी मारा बेगूबंदन पूरा घुमा के जाएगा, पाकिस्तान के रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं अवैध भाई। जब उसे टुल्लों ने पकड़ के अवैध को बजाया उसके बाद अवैध भी शरीफ हो चुके हैं और नेक हो चुके हैं। मुझे क्या बजाया थे है मुझे क्या वो प्राइवेट बातें हैं, अवैध को बड़ा गंदे तरीके से मारा मारे किसने मारा पुलिस वालों ने, बात अवैध अपने घर वालों को भी बताइए, मुझे बताई थी प्राइवेट
देख लो मुझे मोहब्बत बहुत ज्यादा देखो मुझसे सारी बातें बताते हैं मुझे और मैं आप अच्छा नहीं बाकी मैं जा रहे हैं नादरा आ चुका है आहिस्ता आहिस्ता चाचा तो यही यही घुसा दे अंदर घुसा दे बंद लो उड़ा दे अंदर भैया पर्ची का पैसा ले लेगा अबे भाइयों का हो गया काम नागरिक बनवाने गए थे नागरिक मिल चुका है हमारा हो गया बहुत ही मजे का फायदा आप हमारे पास अपना शादी कर दो इंशाल्लाह आपको कोई टेंशन नहीं होगी आप जहाँ भी ब्लॉगिंग करेंगे बगैर किसी डर के करेंगे सुकून से अपनी खुद की ब्लॉगिंग बगैर किसी टेंशन नहीं करेंगे डरते पहले भी नहीं एक होता है बंदे के पास सपोर्ट होता है अपने शादी करके हम है मैं बड़ा हूँ एक उम्र है बंदे का फिर वो अगला पुलिस वाले पंगे नहीं लेते ज़्यादा तो आपको ब्लॉग अभी मुझसे नहीं भी करते हैं ब्लॉग एंड कर दें नहीं 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 चलो ये ब्लॉग कहीं करते हैं एंड अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मिस्टर एडिटर को सब्सक्राइब मिस्टर रोस्टर को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग